राजधानी दिल्ली में जहां मास्क और छोटे छोटे चालानों के नाम पर बहुत ज्यादा मुस्तैदी दिखाती नजर आती है दिल्ली पुलिस, वहीं एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। जी हां, राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के एक प्रॉपर्टी डीलर के घर दिन दहाड़े डकैती हुई है और लाखों की लूट की गई है सरेआम। जी हां, दिन का 2:30 बजे का टाइम था और 7 जुलाई का दिन था। 4 लोग घर में दाखिल होते हैं, 4th फ्लोर पर जाते हैं, खुद को बिजली कर्मचारी बताते हैं और घर में घुसकर पिस्टल निकालते हैं, चाकू निकालते हैं, बुजुर्ग महिला को दिखाते हैं और एक युवती को कहते हैं कि वो अलमारी खोले। इसी बीच एक छोटी बच्ची भी नजर आती है जो चीखती चिल्लाती हुई नजर आती है। घर में जाते ही दरवाजा बंद कर देते हैं और उसके बाद डकैती शुरू होती है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो चुकी है, किस तरह से दिन दहाड़े राजधानी दिल्ली में 4 लोग एक जगह जाते हैं, उत्तम नगर इलाका बताया जा रहा है, और 4th मंजिल पर जाते हैं और खुद को कहते हैं कि वो बिजली विभाग से आए हैं और डकैती में 6 लाख रुपए की ज्वेलरी और 8 लाख रुपए नगद लूट कर ले जाते हैं। इस पर तमाशबीन बने रहते हैं बाकी लोग, लेकिन आपको बता दें कि 2:21 पर इस फ्लैट में दिन दहाड़े जिस तरह से बिजली कर्मी के नाम पर ये लोग दाखिल हुए हैं, वो घटना वाकई चौंका देने वाली है और ये सचेत करने का विषय भी है कि अगर आपके घर में बिजली विभाग के नाम पर कोई आता है और दिन दहाड़े आता है तो आपको इस बात को पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो बिजली विभाग से है या फिर कोई और है, क्योंकि किसी भी विभाग के नाम पर डकैत आपके घर में घुस सकते हैं। वहीं यहां सवाल खड़े होते हैं दिल्ली पुलिस और प्रशासन पे कि इतने हौसले बुलंद हैं अपराधियों के राजधानी दिल्ली में कि दिन दहाड़े 4 लोग पुलिस को कुछ ना समझते हुए बंदूक की नोक पर और चाकू की नोक पर किस तरह से 4th मंजिल पर जाते हैं फ्लैट की और इस लूट को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। अभी तक पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है, सभी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की यह घटना है और लाखों की डकैती सरेआम हो गई है जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर ये लोग घर में घुसे थे और घर का सभी ज्वेलरी और जेवरात और साथ ही साथ घर में रखा कैश लेकर फरार हो गए हैं। इस घर का जो मालिक है वो एक प्रॉपर्टी डीलर है और जिस टाइम वो घर पर नहीं था तब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना में साफ नजर आ रहा है कि किसी तरह का खौफ इन अपराधियों के मन में नजर नहीं आ रहा है। वहीं हाल फिलहाल इसमें से कोई भी अपराधी गिरफ्त में नहीं लिया जा सका है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह के ताज़ातरीन अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।